नमस्कार, बीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में मैं सुरेश शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सभी परियोजनाओं को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा अनुमति देनी चाहिए, चंद्रशेखर बावनकुले का आदेश। मानकापुर पुलिस द्वारा 6 अपराध करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश, कुल 12,000 रुपए का चोरी का माल जब्त। और नागपुर जबलपुर नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों में भिड़ंत, एक की मौत, ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज। अब खबरें विस्तार से। सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक हुई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार के दौरान नागपुर जिले के विकास के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लागू की गई। नागपुर के आगामी सत्र में सभी परियोजनाओं को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा अनुमति देनी चाहिए। ये बैठक सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए हुई थी, ऐसा भी उन्होंने इस वक्त कहा। मागच्या 2.5 वर्षापूर्वी देवेंद्र फडणवीस सरकार ने, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री असताना, नागपूरच्या जिल्ह्याच्या शहराच्या विकासाकरता अत्यंत चांगल्या योजना मंजूर केल्या होत्या। नागपूर शहराला 2,700 कोटी रुपयाची लोअर डोंगरीवरनं डायरेक्ट तुटलाडोला पाणी आणण्याकरता टनेल मंजूर केला, 2,700 कोटीचा तोही रद्द केला होता। अशा प्रकारे जवळपास 5,000 कोटी रुपयाचे कामं नागपूर जिल्हा शहराचे या सरकारने रद्द केले। दीक्षाभूमी 100 कोटी रुपये दिले पण कामच केलं नाही। ताजबागचं काम मागच्या सरकारने जेवढे पैसे दिले तेवढंच झालं। कोराडीच्या महालक्ष्मीचे 40 कोटी थांबून ठेवले। म्हणजे या सरकारने जेवढे कामं मागच्या सरकारने मंजूर केले, 900 कोटी महानगरपालिकेचे थांबवले। हे सर्व कामं पुन्हा सुरू करण्याकरता कलेक्टर ऑफिसचं 250 कोटी रुपयाच्या इमारतीचा प्रस्ताव थांबून ठेवला आहे। टाऊन हॉलचा प्रस्ताव थांबवला। नागपूरच्या अनेक तलावाचे प्रस्ताव थांबवले, मंजूर प्रकल्प थांबवले आहेत। आणि त्यामुळं नागपूरच्या येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये या सर्व प्रकल्पाला माननीय एकनाथ शिंदेजींनी मान्यता द्यावी, माननीय फडणवीस साहेबांनी मान्यता द्यावी याकरता आम्ही पूर्वतयारी आज केली आहे। आणि 1-8 दिवसामध्ये आमच्या नागपूर जिल्ह्याचे सर्व डिस्ट्रिक्ट हेड हे प्रस्ताव तयार करतील आणि सरकारकडे सादर करतील, अशाही सूचना मी दिल्या आहेत। आमच्या NMRDA कमिशनरला मी सांगितलं आहे की गुंठेवारी कायदा लागू होतो, गुंठेवारी कायदा लागू होत असताना सुद्धा तो गुंठेवारीचं काम सुरू झालं नव्हतं, पण आता माननीय देवेंद्रजी आणि माननीय नितीन गडकरी साहेबांच्या हस्ते त्या ठिकाणी गुंठेवारीचं काम सुरू करायचं आहे। सर्वांसाठी घरे येऊन देत पट्टे वाटपाचं काम थांबलं आहे, मिहान प्रकल्पाचं काम थांबलं आहे। त्यामुळे या सर्व प्रकल्पाला गती देण्याकरता मी बैठक घेतली आणि मला वाटतं की पुढच्या 8 दिवसामध्ये मी पुन्हा कलेक्टर ऑफिसला येईल आणि निश्चितपणे सर्व प्रकल्पाचा आढावा घेऊन सरकारकडनं जे काही थांबलं आहे ते आणण्याचा प्रयत्न करणार आहे। नागपूर जिल्हा शहरामध्ये 5,000 कोटी रुपयाच्या वर कामं थांबवलेली होती, मागच्या सरकारच्या मंजूर कामं थांबवली होती, नवीन कामं तर नाही। आणि ते सर्व कामं आता नागपूरच्या बजेटच्या डिसेंबरच्या अधिवेशनात पुन्हा मंजूर करून ते काम सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। श्री संती गणेशोत्सव और सांस्कृतिक मंडल सालभर विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और धर्मार्थ कार्यक्रमों का आयोजन करता है। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव एक रोमांचक असाधारण त्योहार है और हर साल की तरह इस उत्सव में श्री शांति गणेशोत्सव और सांस्कृतिक मंडल ने उत्साह से भाग लिया है। इसके लिए पत्र परिषद का आयोजन किया गया था। श्री संती गणेशोत्सव और सांस्कृतिक मंडल के बुजुर्गों ने गणेशोत्सव की शुरुआत 1958 में की और सामाजिक प्रतिबद्धता की नींव रखी और अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मंडल के सभी पुरुष और महिला कार्यकर्ता इस परंपरा को बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और दिन ब दिन गणेशोत्सव के अलावा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और जनोपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। गणेशोत्सव में मंडल देश में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, पौराणिक कथाओं, देशभक्ति के दृश्यों और विश्व प्रसिद्ध संतों और देवताओं के मंदिरों की प्रतिकृतियों के विभिन्न विषयों, अवधारणाओं, अभ्यावेदन और संस्कृति को संरक्षित करने में अग्रणी है। पिछले 15 वर्षों से इसने न केवल नागपुर बल्कि पूरे विदर्भ में एक रत्न के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। मतलब कि आपका जो मंदिर है वृंदावन में,
वो वृंदावन का मंदिर हम संती के गणपति में संती के प्रिमासिस में यहाँ पे साकार कर रहे हैं, तो आपको निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं। बिकॉज मंदिर तो बन जाएगा लेकिन मंदिर में आपका यदि वास्तव यहाँ पे रहेगा ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बाजूला बाकी बिहारियांचा शयन कक्ष आणि त्याच्या बाजूला उजवीकडे म्हणजे माझ्या डावीकडे बाकी बिहारियांचा झुला जिसको बोलते आपण पाहिला आपण या ठिकाणी साकारतो आहे। किला तर 60 लीला या ठिकाणी दर्शवणं आम्हाला पॉसिबल होतं बिकॉज ऑफ स्पेस। तर जवळपास 11 प्रमुख लीला दर्शन लीला आणि त्याची थोडक्यात माहिती आम्ही या ठिकाणी साकार। ट्रेडिशन आहे, परंपरा आहे, संस्कृती आहे, आरती आहे, प्रसाद आहे। तो प्रसाद तिथली आरती तिथले आभूषण तिथले ऑर्नामेंट्स आम्ही वृंदावनला जाऊन या ठिकाणी आणलेले आहे। तिथला जो फील आहे तिथला ॲटमॉस्फिअर आहे हे नागपुरात साकारण्याचा आमचा प्रयत्न आहे। त्या म्हणजे ज्याला आपण म्हणता येईल की त्या सगळ्या लीला आम्ही या ठिकाणी साकारण्याचा प्रयत्न करू। आता इस्कॉन सगळ्यांना माहिती आहे, पूर्ण जगातमध्ये ज्या ठिकाणी काही ज्या गोष्टी इस्कॉनचं काम इस्कॉनचं कार्य इस्कॉनचा सत्संग नागपुर के प्रताप नगर पुलिस थाना अंतर्गत एक बुजुर्ग डॉक्टर ने युवती को अश्लील वीडियो कॉल किया। उसके बाद युवती ने डॉक्टर के अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने की धमकी देते हुए 16,25,000 रुपए लूट लिए। इस मामले में प्रताप नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता डॉक्टर प्रदीप को जुलाई में एक अज्ञात मोबाइल नंबर से एक मैसेज मिला। युवती ने अपना नाम प्रिया बताया। प्रिया ने उन्हें वीडियो कॉल किया और अपने कपड़े उतारकर डॉक्टर को भी जबरदस्ती अश्लील वीडियो बनाने को कहा। प्रिया ने 2 दिन बाद फिर से फोन किया और बूढ़े डॉक्टर को पैसे की समस्या बताते हुए 10,000 रुपए की मांग की। बदले में दोबारा अश्लील वीडियो कॉल करने का लालच भी दिया। बूढ़े डॉक्टर ने उसे पैसे भेजे लेकिन 2 दिन बाद उन्हें दिल्ली क्राइम ब्रांच के एक पुलिस अधिकारी के नाम से फोन आया। आपके नाम पे एक शिकायत है और आपने एक महिला के साथ अश्लील वीडियो बनाया है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाना है। पुलिस ने डरे हुए बुजुर्ग डॉक्टर से 5,00,000 रुपए की रंगदारी भी वसूल की। इस तरह युवा साइबर अपराधी ने डॉक्टर से 16,25,000 रुपए की रंगदारी की। इस मामले में प्रताप नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। नागपुर के मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत जबरन सोने की चेन छीन कर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, मानकापुर पुलिस ने चोरों द्वारा किए गए 6 अपराधों का भी पर्दाफाश किया है और चोरी का कुल 12,000 रुपए का माल जब्त किया है। नागपुर के मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत वादी कलावती यशवंत शेंडे ने थाने में शिकायत की थी कि वो वेलकम सोसाइटी के सार्वजनिक सड़क पर मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी। उनके पीछे 2-पहिया वाहन पर आए 2 अज्ञात लोगों ने उनके गले से जबरन सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। मानकापुर पुलिस ने इस तरह के विवाद को लेकर इस अपराध में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों का नाम कुणाल अजय इंगले और उस्मान खान अरोड़ा बताया जा रहा है। आरोपियों द्वारा किए गए नागपुर शहर के मनकापुर 2, कलमना में 1, गिट्टी खदान में 1, धंतोली में 1, सीताबर्डी में 1, ऐसे कुल 6 अपराधों का पर्दाफाश किया है। मानकापुर पुलिस ने कुल 12,000 रुपए का चोरी का माल जब्त किया है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। पोलीस स्टेशन मानकापुर हद्दी मध्य गुना घड़ा तपासना डीबी पथकाला एक गोपनीय माहिती मिळाली की एक आणि फुटेज वरून आणि माहितीच्या आधारे आरोपी जो आहे एक आम्ही अटक केला। त्याचं नाव आहे आरोपी कुणाल अजय इंगडे, याचं वय 19 वर्ष आहे। हा राहणार कामगार नगर उर्दू शाळेच्या मागे कपिल नगरच्या हद्दीमधून राहणार आहे आणि याच्यामध्ये आणखी सुद्धा याचे 2 साथीदार लकी आणि उस्मान, या 2 साथीदाराच्या मदतीने त्यांनी शहराच्या वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत गुन्हे केल्याचे त्यांनी कबुली दिली आहे। त्याच्यावरून 6 गुन्हे पोलीस स्टेशन मानकापूरचे 2, गिट्टी गजांचा 1, धंतोलीचा 1, सीताबर्डीचा 1 आणि कळमनाचा 1 असे 6 गुन्ह्याची कबुली त्यांनी दिलेली आतापर्यंत। संगमत करून मॅम जिथे जिथे गुन्हा केला आहे मॅम कोणी सोनाला विकला आहे का, तुमच्या सोनाचा सहभाग आहे का? सध्या तरी आता एक आरोपी आमच्या ताब्यात आहे, त्याच्याकडून तेवढी माहिती मिळाली नाही। जो उस्मान नावाचा आरोपी आहे त्यांनी हे सगळे जे मुद्दे मांडले आहे त्याची विल्हेवाट लावल्याचं सांगत आहे। तरी आम्ही उस्मानला सध्या त्याचा शोध घेत आहे, त्याला सुद्धा अटक करण्याची चौकशी सुरू आहे। खुडकेश्वर थाना अंतर्गत चोरी के 2 अपराध और नंदनवन पुलिस थाना अंतर्गत 1 अपराध के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों युवकों के खिलाफ अलग अलग थानों में कुल 15 मामले दर्ज है।
पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। हुडकेश्वर थाना अंतर्गत गजानन नगर फ्रंट रोड पर काले रंग की एक्टिवा पर पीछे से दो लड़के आए और वादी महिला के गले से जबरन सोने का मंगलसूत्र जबरदस्ती निकाल कर दोनों लड़के भाग गए, जिसके बाद दूसरे अपराध में वादी हुडकेश्वर रोड स्थित अष्टविनायक कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क पर चल रहा था, तभी दो लड़के आए और उन्होंने वादी से रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन जबरन छीन लिया और फरार हो गए। इन दोनों अपराधों की रिपोर्ट हुडकेश्वर पुलिस थाने में दर्ज कराई गई थी। वहीं नंदनवन थाने में मामला दर्ज किया गया था कि महिला वादी के गले से सोने का मंगलसूत्र जबरन छीन के दो युवक फरार हो गए थे। इन तीनों अपराधों की जांच के दौरान गुप्त मुखबिर द्वारा जोन नंबर 4 साइबर स्क्वाड को दी गई जानकारी के आधार पर अपराध के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों आरोपी आम अपराधी है और इनके खिलाफ अलग अलग थानों में कुल 15 मामले दर्ज है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के पास से 1,43,000 रुपए का माल जब्त कर लिया है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ विदेही चव्हाण की रिपोर्ट। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नागपुर इज फेमस फॉर संतरे, टाइगर, जीरो माइल और सावजी खाना, और सावजी खाने को उसका असली स्वाद देते हैं सावजी मसाले, जिससे बनता है ऑथेंटिक सावजी खाना। मसालों में मसाले, अहिरकर ग्रुप के सावजी मसाले। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। नागपुर शहर में पिछले एक साल में बड़ी संख्या में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि इन अपराधों में गिरफ्तार आरोपियों पर विचार करें तो युवकों में गांजा और व्यापारियों में एमडी की ड्रग्स का सेवन ज्यादा होता है। ऐसे में इस पर काबू पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। युवाओं में नशा की लत नशीले पदार्थों की तस्करी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। शहर में भारी मात्रा में गांजा, हशीश, ब्राउन शुगर, एमडी बिकता है। कॉलेज के युवाओं की जासूसी की जाती है और उनके माध्यम से भारी तस्करी की जाती है। इसमें एनडीपीएस की टीम ने माल जब्त किया है। इसमें गांजा की मात्रा 299 किलो, 368 ग्राम और 513 ग्राम एमडी है, ड्रग शामिल थे। हालांकि इस साल महज 7 महीने में टीम ने 357 किलो, 490 ग्राम गांजा और 429 ग्राम एमडी जब्त किया, इसलिए इन दोनों दवाओं की तस्करी में वृद्धि हुई है। कनान थाना अंतर्गत नागपुर जबलपुर राष्ट्रीय हाईवे पर बालाजी सेलिब्रेशन हॉल डूंगरी शिवार पर सड़क पर खड़े कोयले के ट्रक से कंटेनर के ट्रक टकराने से हुए हादसे में कंटेनर ट्रक चालक की मौत हो गई है। कन्हान पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर कन्हान पुलिस थाने में कोयला ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बालाजी सेलिब्रेशन हाईवे रोड डुमरी शिवार पर हादसा हुआ है। इस तरह की सूचना के आधार पर प्रशांत रंगारी अपने कर्मचारियों के साथ उक्त स्थान पर पहुंचे और मौके का बारीकी से निरीक्षण करने पर ट्रक बुरी हालत में खड़ा पाया गया और ट्रक चालक ने बिना किसी सुरक्षा चिन्ह के अपना वाहन हाईवे पर खड़ा कर दिया था।
नागपुर से मंसर जा रहे ट्रक का कंटेनर चालक सड़क पर खड़े ट्रक का कोई सुरक्षा चिन्ह नहीं देखकर पीछे से टक्कर मारने से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान चालक की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कामठी उपजिला अस्पताल भेज दिया है। इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है और पुलिस आरोपी ट्रक चालक की तलाश कर रही है। पोले के दिन कुछ कारणों से खामगांव में दो गुटों के बीच पथराव की आंधी चली। इस मामले में खामगांव पुलिस ने 76 लोगों के खिलाफ दंगा करने का मामला दर्ज किया है। इस पुलिस के रुख पर नाराजगी जताते हुए भाजपा विधायक ने खामगांव शहर को बंद करने का आह्वान किया है। खामगांव शहर को बंद करने की भाजपा विधायक की अपील के बाद आज सुबह से खामगांव शहर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। साथ ही विधायक फुनकर ने मांग की है कि गणेश उत्सव के दौरान खामगांव शहर के 3 पुलिस अधिकारियों को जिले से बाहर भेजा जाए। विधायक ने गंभीर आरोप लगाया है कि पोला के दिवस पर हुए पथराव के लिए खामगांव शहर में आज सख्त कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है और विभिन्न स्थानों पर पुलिस व्यवस्था की गई है। इस बीच विधायक, उनके कार्यकर्ता और बोर्ड के पदाधिकारी शहर का चक्कर लगाकर दुकानें बंद रखने की अपील कर रहे हैं। आज आम्ही सर्वांनी मिळून पुकारलेल्या बंदला खामगावकरांनी 100% प्रतिसाद दिला। आज खामगाव शे 100% बंद आहे, त्याबद्दल मी सर्वप्रथम खामगावकरांचे खूप खूप आभार मानणार आहे, सर्व व्यापाऱ्यांचे आभार मानणार आहे, सर्व संघटना, सर्व गणपती उत्सव मंडळ, सर्व व्यायामशाळा, सर्वांनी जो प्रतिसाद दिला, जो पाठिंबा दिला, त्याबद्दल मी सगळ्यांचे विशेष करून आभार मानतो। आणि आज तरी एवढा 100% प्रतिसाद, एवढा 100% बंद पाहून बुलढाणा जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक चावरिया साहेब यांचे डोळे उघडले पाहिजे। या तीनही अधिकाऱ्यांवर यांनी तात्काळ कारवाई केली पाहिजे, निर्दोष युवकांवरील गुन्हे मागे घेतले पाहिजे आणि या तीन अधिकाऱ्यांना गणपती उत्सवात इथे राहू द्यायला नको असे आदेश त्यांनी काढले पाहिजे। हा माझा त्यांना सवालही आहे, ही माझा इशाराही आहे आणि माझी विनंती आहे। नागपूर के इमामवाडा रोड डालडा कंपनी चौक पर श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव मंडल और ओम तरुण मस्करिया गणेश उत्सव मंडल के सहयोग से पोला और आनंद सम्मेलन कार्यक्रम लिया गया, जिसका आयोजन जय युवा क्रांति दल द्वारा किया गया था। इस कार्यक्रम में कई बच्चों ने सहभाग लिया, कई बच्चों ने अलग अलग वेशभूषा का परिधान किया था। ये कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इधर देख, माजी नगर सेविका लताताई काळगाय आणि विनायकजी डेहनकर यांचं शाब्दिक इथे स्वागत करतो आहे। अरुण मस्करा गणपती उत्सव मंडळांनी हा जो ताना पोळा आयोजित केलेला आहे, त्यांचे आयोजक श्री संदीपजी माने यांनी हा खूप सुंदर असं आयोजन केलेलं आहे आणि आमच्या शनिवारी गुजरवाडी वस्तीतला हे खूप सुंदर आयोजन आहे। असंच आयोजन नेहमी आणि दरवर्षी करावं अशीच त्यांना ही शुभकामना। कामठी शहर के नए मोक्षधाम में रविवार 28 अगस्त को शंकर जी की मूर्ति की स्थापना की गई। उसके बाद शंकर की प्रतिमा का दर्शन किया गया और नगरवासियों द्वारा शोभा यात्रा भी निकाली गई। मोक्षधाम में रविवार को शंकर जी की मूर्ति की स्थापना की गई। कामठी शहर के लिए ये दिन ऐतिहासिक दिन बन गया है। रविवार सुबह 9:30 बजे गंज के बालाजी मंदिर क्षेत्र से पूजा कर शुभ शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए मनोहारी भ्रमण करते हुए अजनी रोड स्थित नवनिर्मित मोक्षधाम पहुंची। इस अवसर पर शहर के नागरिकों ने जुलूस में भाग लिया। शहर में विभिन्न स्थानों पर स्टॉल लगाए गए और प्रसाद बांटा गया। मोक्षधाम में तेज राम जी जैन बाबा जी महाराज ने मूर्ति की पूजा की। इस अवसर पर कामठी विधानसभा विधायक टेकचंद सावरकर, मोक्षधाम समिति के सदस्य एवं नागरिक भारी संख्या में उपस्थित थे। वीकेबी न्यूज के लिए कामठी से नितिन रावेकर की रिपोर्ट। तो आज ये सबका सपना साकार हुआ। 50 साल 60 साल पुरानी ये कमेटी है और ये कमेटी के लोग इतना घूमे हुए हैं, वो तो इन लोगों की मेहरबानी है जिन लोगों ने फंड दिया और जब जाके आज ये सपना साकार हो पाया, नहीं तो पानी का नल भी नहीं लगता था। बातें तो बहुत सारी होती है लेकिन जब कोई चीज़ बनाने में, करने में, समय खराब करने में कमेटी को कितना प्रयास करना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है वो कमेटी को मालूम रहता है। सब होने के बाद में तो कोई कुछ भी बोलता है। तो हम तो यही अपील करेंगे कि सभी धर्म के लोग यहाँ पर आए और इस ये जो इतना अच्छा परिसर बना है इसको, इसका लाभ ले और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपयोग करने दे और इतना ही
कहना चाहूंगा मैं कमेटी के माध्यम से। तो वीकेबी न्यूज के हिंदी बुलेटिन में अब बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।